तेल आयात 8 महीने के ऊंचे स्तर पर, जून में 8% इजाफा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में, मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। भारत ने बीते 8 महीने के दौरान जून में सबसे ज्यादा खाने का सामान इंपोर्ट किया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8% ज्यादा है। तेल उद्योग के प्रमुख संगठन SE यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक बीते महीने जून के दौरान भारत ने 11,62,324 टन खाद्य तेल इंपोर्ट किया है, जो चालू तेल तिलहन सीजन 2019-2020 के शुरुआती 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले साल जून में भारत में 10,71,279 टन खाने का तेल इंपोर्ट किया था, जिससे इस साल जून में करीब 8% इंपोर्ट हुआ है। अप्रैल महीने में दर्ज हुई चाय उत्पादन में 54% की गिरावट। चाय बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के महीने में चाय के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। चाय बोर्ड के मुताबिक देश में अप्रैल के महीने में चाय का उत्पादन 54% घटकर 3.90 करोड़ किलोग्राम रहा, जबकि पिछले साल इस महीने में उत्पादन 8.44 करोड़ किलोग्राम था। और सीधा कारण लॉकडाउन है, क्योंकि सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मार्च के अंतिम हफ्ते में ही लॉकडाउन लगा दिया था, जो कि अप्रैल में भी जारी रहा। कमोडिटी कारोबार पर चीन से तनाव और कोरोना की दोहरी मार। कमोडिटी के कारोबार पर चीन से तनाव और कोरोना महामारी की दोहरी मार पड़ी है। बेस मेटल्स, तेल तिलहन, गवारगम, कपास और मसालों समेत दूसरे कमोडिटीज का व्यापार प्रभावित हुआ है। अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इन उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं भारतीय मसालों के निर्यातक काफी चिंतित हैं। वायदा के मसालों के दाम काफी गिरे हैं, हल्दी 3 साल के निचले स्तर पर लुढ़क गई है, साथ ही जीरे का भाव 3 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए के मसालों का निर्यात करता है। गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ चुकाने के लिए सरकार बढ़ा सकती है चीनी की कीमतें। गन्ना किसान अपने बकाया की वजह से परेशान है। गन्ना किसानों का 2019-2020 का चीनी मिलों पर 22,000 करोड़ रुपए बकाया है, और ऐसे में सरकार गन्ना किसानों को राहत देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार चीनी की कीमतों में करीब 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी कर सकती है। सचिवों की एक कमेटी में चीनी की कीमत 2 रुपए बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से शुगर मिलों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा और कंपनियां आसानी से किसानों का भुगतान कर पाएंगी। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का